जय माँ दुर्गे माँकर पवित्र नवरात्रि रे आपण मानंकु आजिर तृतीय दिवस सर्वप्रथमे स्वागत करुछु आजिर ए पवित्र कार्यक्रम को से माँक वंदना करी आजिर दिनर महत्व संपर्क रे आलोचना करिबा आउ जेउ महत्व को सुनिले आपण मानंकु भितरे निश्चिंत आनंद भरिजिव भक्तगण तो कौन आज दिन महत्व रही आज दिन में पूजा करेंगे से कथा को आज आलोचना करवा पूर्वर से माँ को वंदना कर भक्तबंधु समस्ते आज माँ को वंदन हजिबा मजिबा कल्याण मोई माँ तुहे भूषा कल्याण मोई माँ तुहे भूषा कल्याण मोई माँ तुहे भूषा बोलिए जगत जननी माता की माँ कर आज तृतीय दिवस नवरात्रि पवित्र पूजा रे आज आराध्य रूप से पूजा पाती माँ चंद्रघंटा आउ जो चंद्रघंटा आराधना कले आपण माने समस्त विपत्ति मुक्ति पाती माँ सिंह वाहिनी कहीं नामकरण करा जाई चंद्र माँ घंट सदृश मस्तक शोभा पाती से देवी ना हूँ चंद्रघंटा यह पछरे बहुत गुड़िए कारण अच्छी जे माँ कर उत्पत्तिर तो किभ भाव आज माँ कर उत्पत्ति होता जोबले महिषासुर स्वर्ग मूर्ति पाताल तीनपुर असुर शक्तिर आज जोबले तार कुप्रभाव जोबले असुर शक्तिर कुप्रभाव तीनपुर को कंपेवा को लगला महिषासुर तार प्रभाव रे सेतबले ब्रह्मा विष्णु शिवंक पाखरे जाई शरण पशिचंती देव देव महादेव कृपा करी मांकर आराधन करिचंती आउ मां प्रकटित होइचंती चंद्र घंटांक रूपरे कुहा जाई त्रिदेव जेतबले क्रोधित होइचंती क्रोधरु ही उत्पन्न होइचंती मां जगत जननी देवी चंद्र घंटा जेउ चंद्र घंटा जगत जननी आराध्या कृपामयी महिषासुर को बद्ध करी दुर्गांकर एक स्वरूप तृतीय दिन रे पूजित होती आउ माँ को आज जो माने नाली पुष्प दे माँ को पूजा करती से माने कृपा पाती तेणु आपण माने मन भितर माँ को स्मरण करंतु आम्भे माने से चंडी स्तोत्र को पाठ करिबा जो थे माँ को सुंदर वर्णन करा जाइछि भक्तबंधु जगत जोबले हाकार पड़ जाए से माँ को ही स्तुति करे हे माँ तुम्हें प्रकटित हुए दुष्ट कबल जगत को रक्षा कर आँ हूँ सीए समस्त दुष्ट मान को दलन कलावाला दुष्ट शक्ति माँ का पाद तले बाहन स्वरूप रही जाइंट आज कौन कौन चंडी ने सुंदर वर्णना करा जाए हे माँ तुम्हें प्रकटित हुए प्रकटित हुए प्रकटित हुए मधु कैटव विद्रावि विधातृ वरदे नमः रूपं देहिं जयं देहिं जशो देहिं जिशो देहिं महिषासुर निर्नाशी भक्तानं सुखदे नमः रूपं देहिं जयं देहिं जशो देहिं जिशो देहिं शुंभ शैव निशुंभस्य ध्रुम्राक्षसमर्दिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि रक्तबीजं बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि हे मां तुम्हें प्रकटित हुओ निशुंभ शुंभ निनाशी त्रैलोक्य शुभदे नम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि वंदिता घ्रिजुगे देवी
सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देही जयं देही जशो देही जिशो देही। ए चंडीर स्तोत्र मान जदि किछि बुझंतु न बुझंतु केवल कर्ण रे पड़ी जाए कुहा जाए बहु दिन धरी आपण माने जदि रोगसज्ञा रे पड़ी थांते मध्य ए चंडीर स्तोत्र जदि कर्ण रे केवल श्रवण करंती आपण रोगमुक्त होई जांती मांकर अशेष कृपा होई जाए आपण मानन को ऊपर। भक्तबंधु जो 700 श्लोक रे चंडीर मंत्र गुड़ी को रही चंती से मंत्र गुड़ी को एक प्रकार औषध बड़ी काम दिए आपण मान कर्ण रे बाजिले आपण रोगमुक्त हो जाती सुखमुक्त हो जाती घर समस्त दुख दूर हो जाए। तेणुक से चंडी पाठ रे आंभे माने से माँ को आराधना करिबा हे माँ मौध मधु कैटभर विनाशकारी हे ब्रह्मा वरदायिनी तुम्हको बारंबार नमस्कार जय युक्त कर हे माँ जशदान कर मोर कामादि शत्रु मानक विनाश कर बारंबार चंडी रे स्तोत्र जहाँ मार्कंड्य पुराण व्यास कृत यही पवित्र श्लोक 700 श्लोक विरचित तेणु यहा द्वारा वर्णना करा जाइछि हे माँ तुम्हें समस्त दुख मोर हरण करी मते निर्भय करी दियो। आ पुनश्च कहा जाइछि हे महिषासुरनाशिनी हे भक्तगणकर सुखदायिनी तुम्हको बारंबार नमस्कार मते रूप दियो जयजुक्त कराओ जशश्री कराओ एवं मोर शत्रु को विनाश कर हे धूम्र लोचन विनाशिनी हे धर्म अर्थ काम प्रदायिनी हे देवी मते रूप दियो जयजुक्त कराओ जशश्री कराओ एवं शत्रु को विनाश कराओ ब्रह्मादि देवगण कर्तुक वंदित पदयुग हे देवी हे सर्वभाग्यदायिनी मते रूप दियो जयजुक्त कराओ जशश्री कराओ एवं मोर शत्रु को नाश कराओ। हे माँ एतिक कृपा कर चंडी रे वर्णना करा जाइछि माँ मु आपणक पाखरे संपूर्ण रूपे समर्पित होई जाउछे आपण मते दया करंतु जश कीर्ति प्रदान करंतु ये भव सागर करिबा पई आपण होचंती सेई नाब हे माँ सेई कृपा टिकक मो परे सिंचन करि दियंतु सुंदर भावर चंडी स्तोत्र रे पाठ करा जाइछि समस्ते भय करंती वडे मांगर एबळे भावरे जदि कोनोसी मांग पाखरे भूल होई जाय खंडा धरिचंती मां खड्ग धरिचंती विनाश करि दियंती एहा बिल्कुल हे भक्त मांगर गुटिए नाम होउची मां क्षमा प्रदान करंती क्षमादायिनी आउ क्षमादायिनी माता कहाँ को विनाश कहीं करिबे आउ समस्त जगत तांकर पुत्र सदृश पुत्रर बारंबार भूल को जदि के क्षमा करि दे पारंती तांको मां कहंती तण मां समस्त दुख को विनाश करंती तणु ये चंडी स्तोत्र को पाठ कले समस्त दुख मध्य दुर्भित हो जा। भक्त बंधु मांकर अनेक प्रकार वर्णना करा जाइछि आउ आज चंडी रे सेई वर्णना हे मां तुमे प्रकटित हो आउ दया कर ए अधम पुत्र उपरे आउ कोन वर्णना करा जाइछि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि रूपं आत्म रूपं जय आत्म जय जस आत्म ज्ञान गौरव हे मा तुमे प्रकटित हो आउ समस्त कामादि शत्रु को मध्य मोर विनाश कर जो कामादि शत्रु रही चंते मनीष को कामना रे पकई दियंते हे मा तुमे चाहिले मोर से कामना को मध्य आपण विनाश कर दियंतु। आउ ज्ञानी माने आपण को ए भली भाव रे व्याख्या करंती हे मा नतेभ्यं सर्वदा भक्त्यां चंडिके दुरिताप हे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि ओम स्तब्धभ्यं भक्ति पूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि चंडिके सततं जे त्वां चन्न चयन्ति ह भक्तित रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि हे मा कृपामयी हे अचिंत्य रूप चरित्रा सर्व शत्रु विनाशिनी
हे देवी मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ एवं मोर शत्रु को विनाश कर हे अचिंत आश्रित भक्त पापनाशिनी हे देवी मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ हे चंडिके भक्ति पूर्वक जे तुमर स्तव करे तार व्याधि नाश कर जे तुमको स्तव करे स्तुति करे तार व्याधि के तुम हे नाश कर हे माँ हे देवी मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ एवं मोर शत्रु को विनाश कराओ बारंबार माँ के पाखरे ये स्तुति बा चंडी रे वर्णना करा जाइछि मंत्र रे हे माँ हे करुणामयी तुम्हें मते जश आउ कीर्ति प्रदान करिबा सहित मो शत्रु को विनाश कर हे चंडी के सहस युद्धर विजयनी हे पापनाशिनी देवी मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ हे देवी मते सौभाग्य आरोग्य कराओ एवं परम सुखी कराओ मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ हे माँ पुनश्च वर्णना करा जाइछि चंडी विदेही देवी कल्याण विदेही परमाश्रियम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दुषितान्नाश विदेहि बलम उच्चकें रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरो रत्न निर्घृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वतं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हे माँ करुणा वरुणालयी हे देवी मोर कल्याण विधान कर एवं मोर विपुल ऐश्वर्य प्रदान कर आउ मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ हे माँ मोर शत्रु को विनाश कर हे देवी मोर शत्रु विनाश करिवार जो विधान अछि तुम्भे ताहा संपादित कर मोते सर्वश्रेष्ठ बल प्रदान कर हे देवी मोते रूप दियो जयजुक्त कराओ यशस्वी कराओ आउ शत्रुर नाश कर प्रत्येक थर वर्णना करा जाइछि हे माँ तुम कृपा टिके छिंचन कर दियो कृपा बारी आउ जेउ कृपा बारी रे समस्त दुख सुख मध्य नाश हो जाए आउ ये चंडी पाठ को जो माने प्रातः मुहूर्त स्नान करी पाठ करती आउ श्रवण मध्य करती आज जो माने आपण माने अर्गष्टी माध्यम रे चंडी पाठ को स्मरण करचंती सुनुचंती श्रवण करुचंती से माने महाभाग्यवान कहीं से माने यहा द्वारा माँ कहुचंती से मोर कृपा लाभ करे आउ चंडी रे वर्णना करा जाइछि चंडी पाठ को श्रवण कले आपण माने मातृ कृपा लाभ करंती से देवींकर परम कृपा लाभ करंती नवरात्र न करि पारिले नाही जदी चंडी स्तोत्र आपणक कर्ण रे बाजी जाय आपण नवरात्रि करिवार जे पुण्य फल रहिछि ताहा मध्य प्राप्ति करंती सेतिपई अगस्ट बे माध्यम रे एहा नियारा एक प्रयास आपणक कर्ण रे से स्तोत्र बाजी भक्तिमयी मांकर करुणा आपण लाभ करिबा पई ए कार्यक्रम को करा जाइछि तणु आपण माने निश्चिंत रूप रे ए कार्यक्रम को श्रवण करिबा सहित चंडी पाठ श्रवण करंतु पुनश्च मांकर वर्णना किबळे भाबर करा जाइछि हे मा कृपा करो कृपा करो कृपा करो आउ संपूर्ण रूपे मांक पाखरे समर्पित होई भक्ति मति नारी हेउ बा पुरुष हो जदि चंडी स्तोत्र को श्रवण करे तार मध्य कल्याण हुए पुनश्च माँकर वर्णना करा जाइछि हे देवी प्रचंड दौदंड दैप्य दर्पी निशोदिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जिशो जहि प्रचंड दैप्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संतुष्टे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेण संस्तुते देवी षष्ट्वद्वक्त्यांतं संवादिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि दिशो जहि जशो देहि हे पर प्रबल पराक्रमी दैत्य दर्प विनाशिनी देवी मोते रूप दियो यशस्वी करा एवं परम शत्रु को नाश कर हे प्रचंड दैत्य प्रहाणी चंडिके मु तुम चरणे सदा प्रणत हे देवी मोते तुमे रूप दियो यशस्वी कराओ जरा जयजुक्त कराओ एवं मोर शत्रु नाश कर जो माँ को स्मरण करवा मात्रे मनीषर शत्रु विनाश हो जाए से माँ को आपण माने टिके मन भितरे ध्यान करंतु चंडी पाठ
श्रवण करिबा सहित आपण माने मातृकृपा लाभ करिवे। जो माँ माने ए कार्यक्रम को देखुचंती से माने महाभाग्यशाली। एति पई आपण माने चंडी को स्मरण कले मां को स्मरण कले सकल सिद्धि को प्राप्त हुंती। न होउतिबा कार्य मध्य आपणकर हे जाय। खाली आपण माने श्रवण करंतु बसी आउ पुनश्च मध्य कुहा जाय आपण माने जे भले भाव रे सिंदूर मध्य धारण करुचंती मांकर बिना इच्छा रे आपण माने कौन करिवे ना सिंदूर जो धारण करुचंती मांकर बिना इच्छा रे आपण पतिव्रता होई परिबे ने। मांकर कृपा हेले आपण पतिव्रता होई परिबे। तेणु करे मांकर से दिव्य कृपा लाभ करिबा पई आपण माने चंडी स्तोत्र को श्रवण करंतु। काहेकि ना मांक बिना ये दुनिया रे सब असंभव। आउ असंभव को संभव करती जगत जननी कृपामयी माँ। आउ माँ ही कृपा कला बाला आपण माने जानिथिबे। माँ माने जो माने बसी देखुचंती से माँ को स्मरण करी आपण माने मध्य मस्तक सिंदूर धारण करंतु। देखिबे आपणकर अगगोड़े कंटा बाजिब नाही। केउठी केउठी सिंदूर धारण करिबे ए श्रीमंते सागर कन्या कपाल मध्य चंडिका कंठे सरस्वती देवी शंखा मध्य तु सावित्री। बोले श्रीमंते सागर कन्या जितेबले सिंथरी सिंदूर धारण करुचंती आपण माने सागर कन्या श्री माँ लक्ष्मी को स्मरण करंतु। सागर कन्या को स्मरण करंतु कपाल मध्य चंडिका कपाल मध्य आपण सिंदूर धारण कला बेले माँ चंडी को स्मरण करी सिंदूर धारण करंतु। हे माँ चंडी मो स्वामी को तु निरोग रखिबु। कंठे सरस्वती देवी कंठरे सिंदूर धारण कला बेले माँ सरस्वती को स्मरण करंतु। हे माँ सरस्वती मो स्वामी प्रति मोर केबे कटुक्ति न बाहरु अर्थात मु सबुबले स्वामी को सबुबले मीठा कथा ही कहे। आउ आज शंखा मध्य तु सावित्री शंखारे सिंदूर धारण कला बेले से माँ सावित्री को स्मरण करंतु। मो स्वामी को जे भले भाव रे जमपुर रु सावित्री फेरे नि आसिले से भले भाव रे मु मध्य मो तप बल रे मो स्वामी को मध्य सुस्थ रखिबा सहित जमपुर रु फेरे आनिबार शक्ति मो भितरे देई दियो मांकर वर्णना रे। आउ आज कौन कहउचंती हे माँ तुमे दया कर। आउ हे चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा कर्तृत्व संस्तुते हे परमेश्वरी मते रूप दियो जयुक्त कराओ जशस्वी कराओ हे मो एवं मोर शत्रु नाश कर। आओ माँ कृष्ण कर्तुक सर्वदा भक्तिपूर्वक संस्तुते हे अंबिके मते रूप दियो जयुक्त कराओ जशस्वी कराओ मोर शत्रु नाश कर। हिमाचल कन्या उमापति कर्तुक संस्कृत हे परमेश्वरी मते रूप दियो जयुक्त कराओ जशस्वी कराओ एवं मोर शत्रु नाश कर। पुनश्च वर्णना करा जाइछि चंडी 23 नंबर श्लोक बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। इंद्राणीपति स्वभाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनो धाम दतानंदो दयंबिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्त्यनुसारिणं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। माँकर वर्णना इंद्र पत्नी कर्तुक पत्नी कर। आज हे परमेश्वरी मते रूप दिय जयुक्त कराओ जशस्वी कराओ एवं मोर शत्रु नाश कर। हे देवी भक्त नर हृदय रे अपार आनंदय कारिणी हे अंबिका मते रूप दिय जयुक्त कराओ जशस्वी कराओ एवं मोर शत्रु को नाश कर। हे देवी मोर मनोवृत्ति अनुसारी अनुकूल आचरणकारी मनोरमा भाज्या भर अणीबा भक्ति मो मन भितर हे माँ तुम्हें प्रदान कर। ये देखु भक्त बंधु माँ को मागिबा तो कौन मागिबा संसार पर ढेर मागिले एवे टे माँ को पाखरे नवरात्र मागिबा तो टे भक्ति मागिबा आउ भक्ति मागिबा प्रभु चरणार बिंद तले। हे माँ आपण टे भक्ति प्रदान करंतु आपण चरणार बिंद तले मोर किभ भाव भक्ति जाग्रत हम आपण टे दया करंतु। आउ से पाद जाकू दया करे भक्ति जन्मेता हृदय से पादर कृपा मो उपरे हेउ मा। आउ आज पुनश्च चंडी वर्णना कराउची हे देवी मोर मनोवृत्ति अनुसारण कारिणी मो मन भितर से भक्ति प्रदान करने सहित
ମୋତେ ରୂପ ଦିଅ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଅ, ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଅ ଏବଂ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କର। ପୁନଶ୍ଚ ଚଣ୍ଡୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗରସ୍ୟ କୂଳୋ ଭବାମ ରୂପମ ଦେହି ଜୟମ ଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଦିଶୋ ଜହି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର ପଠି ତ୍ୱାଂତୁ ମହାସ୍ତୋତ୍ର ପଠେ ନର ସପ୍ତ ସତୁ ସପ୍ତ ସତୀ ସଂଖ୍ୟା ବରମାପ୍ନୋତି ସମ୍ପଦାମ ଇତି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟମ ପାଠଙ୍ଗମ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ବିରଚିତ ଅର୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ରମ ସମାପ୍ତମମ। ଏଇଠି ଅର୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବୁ। ଦୁସ୍ତର ସଂହାର ସାଗର ତାରିଣୀ ହେ ଗିରିସୁତେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କୁ ଗିରିସୁତା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କର କୃପା ଯଦି ଜୀବ ଉପରେ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବ ଅଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅଭୟ ହୋଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ତାର ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଆଜି ଚଣ୍ଡୀରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭକ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରେ ମା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କୃପା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହିତ ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଆରାଧନା କରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ମୋର କୃପା ଲାଭ କରେ। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ମାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଏ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନଥାଏ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ମାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଥାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ କୃପା ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସିବ, କାରଣ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କୃପାମୟୀ ଭକ୍ତକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ, ସାତଟି ଯେତେବେଳେ ଛଅଟି ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇ କଂସ ମାରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହରଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା ତୁମେ ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଣାମୟୀ, ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ମାଙ୍କର କରୁଣାମୟୀ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଧରିଲା, କେଉଁ ପିଲାଟିକୁ, ଯାହା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ମା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଯୋଗ ମାୟା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ଲେଉଟାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଗୃହରୁ। ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଯଶୋଦାପୁରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହୋଇ, ହେ ଯୋଗ ମାୟା ଜଗଜନନୀ ଦେବୀ, କଂସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନପାରି ଧରିଲା। ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା, ନାଇଁ ମସ୍ତକକୁ ଧରି ଗୋଡ଼କୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବି କେବଳ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ହେଲେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେବି ଏକଦମ କାମ ସଫା। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ କରୁଣାମୟୀ, ମା ଦୟା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଅସୁର ସତ, ହେଲେ ଧରିଛି ମୋ ପାଦକୁ, ମା କୃପା କଲେ, ନହେଲେ କଂସକୁ ସେଇଦିନ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମା, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାରିବା ଯାଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ପାଦକୁ ଧରିଛି, ୟାକୁ ବିନାଶ କରିବିନି, ଏଇଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମା ଦୟା କରିଛନ୍ତି କଂସକୁ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା କଂସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ପାଦକୁ ଧରିଛୁ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଆଉ ଏତେ କୃପାମୟୀ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ, ପାଦକୁ କଂସ ଧରିଲା ବୋଲି କଂସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦୁଃଖ ସର୍ବକଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଚଣ୍ଡୀରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ହେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି କରୁଣାମୟୀ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେ କରୁଣାମୟୀର ଯେଉଁ ଚରିତ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ମାଙ୍କର ପାଦ ଧରିଥିବା ହେତୁ କଂସ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଟଳିଗଲା, ମା କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ, ହେ ମା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର, କ'ଣ
ନା ଯଶ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଓ, ଚଣ୍ଡୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏ ଭବ ସଂସାର ସାଗରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ମା, ତୁମେ କୃପା କର, କୃପା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ରୂପଂ ଦେହି ଜୟଂ ଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଦିଶୋ ଜହି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଓ, ଯଶସ୍ୱୀ କରାଓ, ଏବଂ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କର। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହୋଇଛି କ'ଣ ନା, ମୋତେ ରୂପ ଦିଅ। ହେ ମା, ଯେଉଁ ରୂପ ସଂସାର ଘୃଣା କରୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଯଶ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଯଶକୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହଉ। ତେଣୁକରି ମା, ଏ କୃପା କେବଳ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଏତି କେବଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ମା ମଧ୍ୟ ତା ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା ସକଳ ରୋଗର ବିନାଶକାରୀ, ସକଳ ଦୁଃଖର ବିନାଶକାରୀ, ଆଉ ସକଳ ଅଭୟକୁ ପ୍ରଦାନ, ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ମା, ଆଉ କ୍ଲେଶକୁ ନିବାରିଣୀ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗତ ଯାହାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସେ ଅଭୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ବୋଲି ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା କି ଜୟ।